नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे घिया के कोफ्ते। इसके लिए मैंने ये घिया ली है। अब हम इसको छील के घिया कस करेंगे। इसलिए घिया को अच्छे से छील लेते हैं। ये देखिए, ये घिया छील लेते हैं अच्छे से। मैंने ये घिया को अच्छे से छील के काट लिया है और इन्हें अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब हम इस घिया को कसेंगे। हम ये घिया अच्छे से कस लेंगे। देखिए, ये सारी घिया हम ऐसे कस लेंगे। ये देखिए, मैंने ये घिया अच्छे से कस ली है। अब हम इनका सारा पानी बाहर निकाल देंगे, सारा पानी निचोड़ लेंगे इसका। अगर घिया के अंदर पानी रह गया तो हमें बेसन भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। और पानी निकाल देंगे तो हमारे कोफ्ते सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। ये देखिए, ये मैंने घिया को अच्छे से कस लिया है। इसका सारा पानी मैंने बाहर निकाल दिया है अच्छे से निचोड़ के। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने लहसुन लिया है पिसा हुआ। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। ये नमक है स्वाद के अनुसार। ये मिर्च है स्वाद के अनुसार। ये एक चुटकी मैंने हल्दी ली है। अब मैं इसे, ये देखिए, अब मैं इसे ये घिया के अंदर मिला लेती हूँ सारा मसाला। मैंने मसाला इसमें मिला दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन। तो मैं 2 चम्मच इसमें बेसन मिला रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बेसन इसमें कम है, अभी थोड़ा सा बेसन हम इसमें और डालेंगे। अभी इसमें हम 2 चम्मच बेसन और डालेंगे। मुझे लग रहा है अभी बेसन और कम है इसमें। अभी 1 चम्मच बेसन और डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा मिक्स तैयार हो गया है कोफ्ते बनाने के लिए। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे ऐसे करके। ये देखिए, छोटे छोटे ये हमने कोफ्ते बना लिए हैं। देखिए, ये हमने कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते तलेंगे। कोफ्ते तलने के लिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम इसे मीडियम आंच पर ही तलेंगे। ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम बहुत कम किया हुआ है क्योंकि कोफ्ते तलने के लिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये कोफ्ते हमारे एक तरफ से सिक गए हैं। अब हम इन सब कोफ्तों को पलट देंगे। बहुत धीमी आंच पे पकाने हैं हमें कोफ्ते, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सारे कोफ्ते मैंने पलट दिए हैं। ये देखिए, ये एक तरफ से इनका रंग सुनहरा हो गया है। अब ये दूसरी तरफ से भी ऐसे ही गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए मैं पहले गैस बंद कर देती हूँ। ये हमारे कोफ्ते अच्छे से सिक गए हैं। इनका कलर भी देखो कितना अच्छा आया है। ठीक है, अब हम मसाला भूनेंगे।
इसके लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 5 प्याज लिए हैं, इनको काट लिया है, ये लहसुन है, ये 2 हरी मिर्च है और ये अदरक के टुकड़े हैं। अब हम इनको मिक्सी में डालकर मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे। देखिए अब मैं इनको मिक्सी में डाल देती हूँ अच्छे से, ताकि हम इनको मोटा मोटा दरदरा दरदरा पीस लें। ये देखिए ये मैंने इनको मिक्सी में डालकर मोटा मोटा दरदरा दरदरा पीस लिया है। ये देखिए अब ये मैंने 5 टमाटर लिए हैं, इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो अब ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। छौंक लगाने के लिए मैंने ये अजवाइन ली है, ये जीरा है, ये सौंफ ली है मैंने थोड़ी सी, और ये मेथी दाना है, और ये राई है, और ये 2 लौंग हैं, 5 काली मिर्च है, 1 छोटी इलायची ली है मैंने। हम इन सब से छौंक लगाएंगे, इसमें तड़का देंगे। ये देखिए ये मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा लाल होने के बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे। ये हमारा जीरा लाल हो गया है, ये हमारा जीरा लाल हो गया है, अब हम इसमें ये अजवाइन डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ये सौंफ डालेंगे। मेथी दाना, हमें इस मेथी दाने को ज़्यादा काला नहीं करना है, ज़्यादा नहीं जलाना। अब हम इसमें ये राई डाल देंगे और ये इसमें लौंग, काली मिर्च और ये छोटी इलायची, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए ये हमारा प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। घर का सादा मसाला लिया है, ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये 1 चुटकी हल्दी है, ये थोड़ा सा काला नमक है स्वाद के अनुसार, ये सफ़ेद नमक है स्वाद के अनुसार। अब ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये 1 कटोरी टमाटर लिए हैं मैंने, डालेंगे मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। हम इसे पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। देखिए ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। ग्रेवी बनके अब तैयार हो गई है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। ये हमारे कोफ्ते बनके अब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया हमने इसमें। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैंने नहीं डाली, मैंने छौंक लगाते वक्त दाने वाली मेथी डाल दी थी। जब भी हम बेसन का कुछ भी बनाएं तो उसमें अजवाइन और दाने वाली मेथी ज़रूर डालें, इससे हमारे पेट के लिए बहुत सही रहेगा, पेट में दर्द नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी।
अभी हमारे कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये दोस्तों, ये हमारे कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप इसे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।